हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सन एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो इस वीडियो में मैं एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ में हमें इसे यूज़ करनी चाहिए, कौन सा स्किन टाइप वाले को बेस्ट होता है और इसे कब लगाना ज़्यादा बेस्ट होगा, हेयर में किस तरह यूज़ करना है, फेस में किस तरह यूज़ करना है और भी बहुत सारे इसके फायदे के बारे में बात करूँगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। यहाँ पर मेरे पास है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप तो चाहे जो भी एलोवेरा जेल हो आप इसे यूज़ करते हैं, कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। या इससे अच्छा होगा कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करें तो बेस्ट होता है, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल में कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होता है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल के साथ इसे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जो मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे एज अ नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा फायदे करता है फेस में, तो इसे एज अ नाइट क्रीम का जैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लेना है। आप देखिए कितना ही अच्छा सा इसमें जो स्मेल आ रहा है। 2 से 3 ड्रॉप आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है, या फिर आप इसमें आलमंड ऑयल, या फिर आप इसमें विटामिन ई के एक कैप्सूल इसे डाल के इसमें अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद रात में सोने से पहले आपको फेस को क्लीन करने के बाद इसे एक लेयर पर अच्छे से फेस एंड नेक में लगा लेना है। कमाल का रिजल्ट आएगा, आप एक बार इसे ज़रूर यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो ये एक जो फ़ायदे हो गए जो आप इसे एज ए नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जिसको फ़ायदे है वो तो हेयर, तो अगर आपको हेयर मार्क्स लगा रहे हैं तो उसमें इसे ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है। अगर नहीं तो आप एलोवेरा जेल को एज आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं अपने, या फिर स्ट्रेट करते हैं जब हेयर हम, तो स्ट्रेटनर से पहले तो आप इस तरह से आप हेयर में यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। मैं कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सैनी सिल्की हो जाता है हमारा हेयर। तो आप उस तरह से भी एज ए हेयर मास्क में भी आप इसे डाल के यूज़ करते कर सकते हैं। थर्ड जो मैं बता दूँ इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आप पिंपल्स के जो स्किन होते हैं इसमें बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है। जहाँ पे आपको ज़्यादा पिंपल्स है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल में आपको सिर्फ टर्मेरिक लेना है, कस्तूरी हल्दी जो आता है कस्तूरी हल्दी इसमें मिक्स करना है आपको। मिक्स करने के बाद अगर आपके यहाँ पिंपल्स है तो इस तरह से डॉट डॉट करके आप इसे लगा लें। लगाने के बाद इसे कुछ देरी तक रहने दें, यानी आधा घंटे तक अपने फेस पर रहने दें, उसके बाद इसे आप वॉश कर लें। ऐसा आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप इसे एक हफ्ते इसी तरह रेगुलर यूज़ करेगा पिंपल्स जाने जैसे गायब ही हो जाएंगे आपके चेहरे से, मतलब ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल भी। तब बस कस्तूरी हल्दी में इस तरह से एलोवेरा जेल को मिला के अपने फेस पे लगा ले, बहुत ज़बरदस्त सा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा पिंपल्स के लिए। मैं आपको थर्ड जो बताई हूँ। चौथा है आपका डेड स्किन सेल्स, या से डेड स्किन सेल्स जो होता है, आप एलोवेरा जेल को अगर रेगुलरली इस तरह यूज़ करेंगे या फिर नहाने जाने से पहले अपने फेस पर, इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कच्चा दूध मिलाना है। यस, जो 4 बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें कच्चा दूध मिला के आपको फेस पर लगा लेना है। लगाने के बाद या तो इसे ओवर नाइट भी छोड़ सकते हैं या फिर नहाने के 1 घंटे पहले अपने फेस पर लगा लें, उसके बाद अपने फेस को वार्म वाटर, या समर सीजन गए तो थोड़ा सा कूल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लें, करना गजब का। आप हमने ग्लास स्किन प्रोवाइड होता है हमारे स्किन में, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। मैं तब जो ट्राई की हूँ मुझे अच्छा जो रिजल्ट आया है मैं उसी के बारे में आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज़ कर चुकी हूँ। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस तरह मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, इसलिए मैं आपको इसका शेयर कर रही हूँ। तो ये तो हो गए आपके 4 फायदे। अब मैं आपको 5वां फ़ायदा बता दूँ इसका एलोवेरा जेल, आप इसे क्या में यूज़ कर सकते हैं, जो फैप है जो मुझे लगा कि आप लोग को इसी तरह से यूज़ करनी चाहिए, तो वो है हमारा आईब्रो। यस, आपको लगता होगा कि आईब्रो में इसे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये आईब्रो का ग्रोथ अगर आपका नहीं है, यानी कि आपका ग्रो जो आईब्रोज है वो बिल्कुल भी घना नहीं है, तो आप इसे एवरी नाइट सोने से पहले बस इस तरह अपने आईब्रो में पूरा अच्छे से आपको लगा लेना है। इस तरह से काफ़ी अच्छा एक बोलते नहीं घना आपका जो आईब्रो है वो आपको हो जाएगा ओवरनाइट। आपको इसी तरह अपने जो है एयर पे लगा लेना है, यहाँ पे आईब्रोज पे इस तरह से, तो ये कमाल का रिजल्ट देता है हमारे हेयर में। तो इस तरह से लगा लेना है, अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो थोड़ा इधर भी आप लगा लीजिएगा इस तरह से, इस आँख के आगे नीचे इस तरह से लगा लीजिएगा। बस इसी तरह आपको लगा के इसी तरह आपको रहने देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिएगा कि 1 से 2 वीक में आपका जो आईब्रो को ग्रोथ कितना ज़्यादा हो चुका है, आईब्रोज का जहाँ पे आपका हेयर भी लॉस हो चुका है वहाँ से भी आपका जो आईब्रो का हेयर है वो ग्रो होने लगता है।
अगर आपके आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसी तरह से यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो फ़ायदे थे जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, जो मुझे फ़ायदा लगा, मुझे बेनिफिट पहुँचा इससे जिस तरह से यूज़ करने में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, लाइक एंड शेयर भी कर दें। बाय बाय।